मला प्रोत्साहन देण्याकरिता या ठिकाणी एक गाणं हॅलो सर हॅलो सर सकाळ मी गाणं ऐकतोय का थँक्स होतं कुठं त्या गाणं थँक्स लोकांची लोक डॅन्स करतील आपण फक्त गाणं बोलायचं तर त्यांना लागलं आहे की नाही आहे तयार आहे तयार ओके देखिए धर्मभैरी सामाजिक संस्था के संस्थापक श्री धर्मवीर सिंह ने जो ये आयोजन किया है वह हिंदू सनातन धर्म के लिए गौरवास्पद बात है। इस नगरी में विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी जिन्होंने इतना भगीरथ प्रयत्न किया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ईशान्य मुंबई के तरफ से उनके सभी सहयोगियों का मैं हृदय से धन्यवाद मानता हूँ। हमारा धर्म बहुत कुछ सिखाता है। प्यार सबसे पहले हमारे धर्म ने सिखाया। हमने बहुत से धर्म के लोगों को पंथों को संस्थाओं को पैदा होते हुए भी देखा लेकिन हमने किसी का विरोध चाहे किसी का हत्या नहीं की। अपने धर्म को मनाने के लिए चाहे ज़बरदस्ती किसी को अपने धर्म में सम्मिलित करने के लिए हमने खाली प्यार बांटा है पूरे देश में पूरे विश्व में भी बांटा है। और आज वसुधैव कुटुंबकम की भावना सिर्फ हिंदू सनातन धर्म के अंदर ही है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब वसुआ के अंदर रहने वाला पूरा जो मानव समाज हो एक परिवार का है। यह संदेश हमारे गीता में हमारे रामायण में सब जगह दिया गया है। इसलिए विश्व शांति के लिए हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म उसको बचाना उसका प्रचार प्रसार करना ही आज हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। पहले भी हम विश्व गुरु थे बीच में कोई कठिनाइयों के कारण नहीं हो पाए लेकिन अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में हम पूरे विश्व में एक साथ होने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि अभी वो यूक्रेन में गए थे प्रधानमंत्री जी और यूक्रेन में जो करके दिखाया एक दिन के अंदर उन्होंने बोला कि तुम अपना जो बंदी है तुम छोड़ दो उनका बंदी आप छोड़ दो एक दिन के अंदर सबका बंदी। आज पूरा विश्व उनके पीछे पड़ा है कि आप शांति दूत हो आप दोनों के युद्ध का विराम कराइए और भारतीय जनता पार्टी और भारत देश जिस विचार से आगे चला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्राणी मात्र को दुख नहीं होना मंगता ये हमारा धर्म सिखाता है। और हमारे आदर्श पुरुषोत्तम राम और श्री कृष्ण जी ने बहुत पहले हमको बताया है हमारे शास्त्र के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला की भी बात की है। सठे साठ्यम समाचरेत की भूमिका भी हमारे कभी कभी अपनाई गई है। इसलिए मैं आप लोगों से आपके चैनल के माध्यम से धर्मवीर सिंह और उनके साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं
और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग किया उसके लिए सबका आभार मानता हूँ। जय हिंद। जन्माष्टमी में मैं आपको एक ही संदेश दूंगा कि जिस तरह बच्चे जाति पात धर्म सब छोड़ के एक झंडे के नीचे गोविंदा की ये बंडी पहनकर उनकी जर्सी पहनकर जो पूरी आप तो मैं यहाँ से लेके मुलुंड तक घूम रहा हूँ, जिस तरह से युवाओं में क्रोश है ये है उत्साह है वह एकदम सराहनीय है। और हमको लगता है कि अगर इस तरह से कुछ धर्मवीर रहेंगे तो यह देश जरूर आगे बढ़ेगा। श्री किंड जी के जन्मदिन के ऊपर यही शुभकामना सबको देता हूँ। धन्यवाद। चलो बच्चे लोग ये हो गया अभी। धर्मवीर सामाजिक संस्था के ओर से मेरे मित्र धर्मवीर सिंह और उनके बंधु रिंकेश सिंह, इन्होंने हर ये दही हंडी का कार्यक्रम आयोजित किया है। वैसे ये मेरे ख्याल से 10वां या 12वां साल, कितना साल है, 16वां साल है। तो दोनों भाई को और तीसरे उनके बड़े भाई है वो भी उनके साथ में है, तीनों भाई मिलकर ये दही हंडी का उत्सव बड़े जोर से मनाते हैं। वैसे इस क्षेत्र में शिवाजी नगर मालपुर क्षेत्र में हिंदू त्यौहार मनाने का एक जोश और जो उत्साह से वो काम करते हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।